जाकिर हुसैन साहब से मिला है। आप कौन हैं? जॉनसन, दारावी जॉनसन। सर एक जॉन्स आया है, दारा दाढ़ी नहीं, दारावी, दारावी जॉनसन, दारावी जॉनसन। ठीक है सर, अब जाइए। शुक्रिया, आजा। अंदर आ जा, बैग उधर रखो ना, सर्टिफिकेट्स निकाल। ये जाकिर हुसैन साहब तो बहुत अच्छा आदमी है, संभाल के बात करो ना। ओ गुड मॉर्निंग सर, जॉनसन आओ 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 आओ, बैठ जा। मैं बोले था ना, यही लड़के साहब। ओ लड़की, पहले गोल्ड का दुकान में रुका है क्या? नहीं साहब, नया ऐसा है क्या? ओ बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, नॉर्मली ज्वेलरी में सब लड़का लोग रहता है। ये सोना है ना, वो तो संभाल के देखना पड़ता है ना, तुमको बाद में सब पता चलेगा। अरे इसमें बहुत सारा काम है, इधर ज्यादा करके लड़के लोग हैं। अरे तुम्हें तो मैं सब कुछ सिखा लूंगा। अरे वो दमयंती को जरा बाहर भेज देना, सर्टिफिकेट सब लाया है क्या? सब मुझे दे दो। ये तो गारंटी के लिए है, सोना और लड़की साथ में नहीं रहना चाहिए, फटाका जैसा है ना ये, इसलिए। मे कम इन सर। ये नया अपॉइंटमेंट है, इसको एक्सपीरियंस नहीं, सब जरा सिखा लेना। ठीक है सर। अरे जॉनसन, अरे कुछ गड़बड़ है तो मैं इसको इधर रखने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं साहब, भरोसा मैं दे रू ना। अरे तुम्हें ओके तो मुझे भी ओके। परमिशन दिया तो मैं बाद में से मिलूंगा। उधर रखो, कितना तक पढ़ी हो? ग्रेजुएशन। इंग्लिश में बात करेगी? क्या करती है उधर? व्हाट इज द मैटर? मैडम पीने के लिए पानी। पियो। इधर का सुपरवाइजर पानी तक नहीं देता है, ऐसा मत बोलना, जाओ। अरे जाओ, गो। चेंज योर कॉस्ट्यूम। सुनो, गिव यूनिफॉर्म किट। सुनो, ड्रेस चेंज करके, बाल ठीक करके, इस तरह साड़ी पहनकर अच्छी तरह स्टाइल में आओ, ओके? कम। हाउ आर यू? उम्र कितना है? 23। ये यूनिफॉर्म में तुमको उम्र ज्यादा दिखता है, मुझे तो अभी 25 है। चूड़ीदार पहने तो 23 लगेगा, लेकिन इस यूनिफॉर्म में 35 बोलेगा। हंसता नहीं। इधर का कुछ डिसिप्लिन है, मुझको और कस्टमर को थोड़ा डिसिप्लिन करने का, वही सेल्स गर्ल का काम है। कस्टमर कैसा है हम कैसे जाने, लेकिन हमारा कर्तव्य सिर्फ सेल में होना चाहिए, समझी है क्या? वो लोग शायद हमारा इधर उधर देखकर बात करेंगे, ज्यादा माइंड मत करना। अगर कस्टमर आएगा तो तुम वेलकम करने का, सी गुड मॉर्निंग मैडम, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। एक्सक्यूज मी डार्लिंग,
This is not an evening, Damayanti. Oh, sir. It's a wonderful and blissful morning. Good morning, sir. Good morning. How are you? Fine. Sir, ek naya design aaya hai. Oh. It's just for a gift. I'll take it. अरे तुम तो फ्रेश हो गई एकदम. और वो डैनियल डिसूजा है, यहाँ का परमानेंट कस्टमर है. यहाँ आने वाला हर नया डिजाइन उसको चाहिए. देख, यहाँ का 3 डिजाइन लास्ट वीक उसने ले लिया. अरे आज तो मजा ले ही लेगा. इधर का काम नहीं, उधर का काम. What is this? मैडम वो तुम अभी आया है इधर, सोने के माला पहनी. सोने देखकर इतना मोह अच्छा नहीं है, मालूम है क्या? इस तरह छोड़ेगा तो तुम यही लेकर जाएगी. तुम्हारे लिए ये काम अच्छा नहीं है. अभी जाकर मैनेजर से बात करती हूँ. आज से तुम्हारा काम यहाँ नहीं है. आ जाओ. मैडम इधर आने को बोलो ना. अगर सोना दिख जाए तो सोनिया गांधी भी देख लेगी. ये तो एक औरत की आदत है. एक नेकलेस लेके देखा है, इसके लिए इतना हैरेसमेंट. श्वेता, तुम तुम्हारा काम देखो. ऐसे कैसे मैडम, हम तो यहाँ पे काम करते हैं. अगर कोई कस्टमर मांग ले तो गले में नहीं कमर पे भी लगा के दिखा देंगे उन्हें. उसके लिए हम तैयार है, लेकिन इज्जत से. पर ये तो क्या है श्वेता, हम लोग मजदूरी है ना, फ्रेंड्स है. ऐसी है क्या? तो फिर जाइए. ज्यादा मत खेलना, तुम्हें मैं फिर देखूंगी. नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया. पहले यहाँ की स्वीपर थी, अभी सुपरवाइजर है. उसका अहंकार है, सिर्फ बोलती बहुत है. तुम चलो. प्रिया, तुम्हारा अकोमोडेशन ठीक हुआ? टुडे ठीक करने के लिए बताया है. ओ, एक हफ्ते लगेगा, तब तक तुम एक हॉस्टल नहीं तो रिश्तेदार के घर में रहो. नहीं तो घर जाकर आ जाओ. घर पास ही है क्या? नहीं, सूरत है. तुम लीव ले लो, एक हफ्ते के बाद आ जाओ. मैं सार से बात करूंगी. तुम डरो मत, एक हफ्ते की तो बात है. तुम चाहती तो मेरे साथ रह लो. मुझे एक अकोमोडेशन मिलने के बारे में रवि को बताना है. कौन है रवि? हमारे पड़ोसी हैं, हमारे सब मदद करते हैं. रोको रोको, गाड़ी रोको. ₹100 गए. रुको 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 रुको, बोल रहा हूँ ना, गाड़ी रोको. गाड़ी रोकने के लिए तुमको तकलीफ है क्या? लाइसेंस है क्या? है ना. हेलमेट तो नहीं ना? सॉरी सर. तो 500 दे दो ना. पर हमेशा तो 100 रुपए लेते हैं. ओ, ये तुम्हारा आदत है क्या? फाइन मारना पड़ेगा तुमको. ओ, तो फिर हाथ से 500 रुपए भी गए.
मैडम वो सब नहीं चाहिए मैडम, आईजी का नहीं, एसपी का वो नहीं, मैंने तो आपको कहीं देखा हुआ है। अरे मैडम को छोड़ दो, छोड़ दो, आप जाइए जाइए। थैंक यू सर, आप बैठ जाइए। आजा दीदी। हाय। इलेवेंथ फ्लोर पे है। दीदी हम पैदल चल सकते हैं ना? इतना ऊपर सीढ़ियों में क्यों, लिफ्ट में डर लगता है? डर नहीं है तो भी, फिर भी थोड़ा सा डर है। चलना। हे भगवान। चल चलते हैं। आजा। बड़ा घर, ये आपका घर है क्या? नहीं, ये मेरे एक दोस्त की है। फ्रेंड तो नहीं बोल सकते, वो मुझे इस जगह पे ले आके नौकरी दिलवाई है, वो इसे बेचने वाले, बस तब तक रहना है। हेलो। क्या हुआ? अरे तू है क्या, तू कब घुसा अंदर? वो वर्गीस को मिलने आया हूँ बिजनेस पर्पस के लिए। डरो मत, ये मनु है। उधर दारू और बात करने के लिए अलावा कुछ भी नहीं उधर खाने के लिए, इसीलिए इधर आके खाना का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास चाबी था। अच्छा टेस्ट है। ये को नहीं दिख रहे? नया अपॉइंटमेंट है, एकोमोडेशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेगी। तू रसोई में घुसा है ना, दो चाय डाल। हाँ क्या? चाय डाल। चल। बेकार में डर गई। यही वो आदमी है आपने बताया क्या दीदी? हैं? प्यार। ओह, तुम्हारे गांव में प्यार का सिंबल यही है क्या? बहुत लोगों ने मुझसे बोला है, एक लड़का और लड़की दोस्त बन जाए तो दुनिया यही बोलेगी। सच बोलूं तो मनु मेरा एक केयरटेकर है, प्यार और विश्वास दोस्ती के बहुत ऊपर है वो। हाँ मैं देता हूं। श्वेता फोन। हाँ बैठे ना। हाय। अरे बैठो ना। ओ, आपका नाम क्या बताया? प्रिया। हाँ प्रिया, हम सिर्फ दोस्त ही नहीं है, हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स है। मैं इसके साथ मिलके रियल एस्टेट बिजनेस कर रहा हूँ। प्रिया तुम्हारा गांव का नाम क्या है? सूरत। क्या हुआ? ओके मैं चली जाऊंगी। ठीक है आप दोनों बात कर लो, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ प्रिया मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है बाय। बाय। और एक बात, किचन के अंदर राइस और चिकन करी है, उसे वेस्ट मत करना, टेस्ट थोड़ा कम ही होगा।
Hey, सूरत वाले, खाना टेस्ट करके बोलना, ठीक है? यहाँ खड़े रहोगी तो शहर पूरा दिखेगा। थकान में ना रुकने वाले रास्ते, जल्दी में भागते हुए गाड़ियां, कई लक्ष्यों के साथ एक ही जगह पे जाने वाले लोग, यहाँ खड़ के ये पूरा नजारा देखना, यही मेरा डिनर है। बस आज एक और साथ में। अरे देख, वहां से एक हवाई जहाज आएगा और वो वहां से सीधा हमारे सर के ऊपर से उड़ता हुआ उस तरफ जाएगा। तभी वक्त होगा 8:30 और वो वापस आएगा रात के 1:30 बजे। कभी कभी उसी के बाद मैं सोती हूँ। जल्दी आओ हवाई जहाज। प्रिया, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, तू दरवाजा बंद करके सो जा। ओ तो चली गई है। प्रिया, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, जल्दी आऊंगी। चाबी मेरे हाथ में है, मैं दरवाजा खोल दूँ। दीदी, मैं अकेले। अरे डर मत यार। अरे मैं जल्दी आ जाऊंगी यार। मैं लॉक कर दूंगी। Thank you.
ये क्या है? वो पंक्ति गंदी कर दी। इस तरह से? और दूसरा क्या होगा? ये कौवे को और काम नहीं है क्या? गंदा कौवा। बाहर मौसम खराब है ना, वो पंक्ति भी क्या करेगी बेचारी। बोलो ना। हाँ सुनो, हाँ तुम जाके शर्ट लेके आओ मेरा। ठीक है। दीदी, तुम चले जाओ, मैंने छुट्टी बोला है आज। गाड़ी का चाबी शेल्फ में है। ओह, तुम्हें तो गाड़ी चलाना नहीं आता। तुम एक काम करो, नीचे जाकर फ्लैट के गेट से लेफ्ट ले लेना, वहां एक ऑटो स्टैंड है। शॉप का नाम बोल देना, वो वहां छोड़ देंगे तुम्हें। हाँ सुनो, ऑटो में घुस जाए तो वहां से फर्स्ट राइट, सिर्फ 10 मिनट दूर है। ऑटो वाले कभी कभी घुमा देंगे तुम्हें। ओके। दीदी, नीचे उतरने के बाद लेफ्ट जाना है। दीदी, यहाँ लेफ्ट कहने के मतलब दाएं ओर और बाएं ओर। अरे सुन, तुम्हारा दाया हाथ है ना, वही लेफ्ट है। गेट पहुंच जाए तो इस तरफ पे। ओके। एक छोटा कंफ्यूजन है। अरे ऐसी एक लड़की। ठीक है ठीक है। अरे लिफ्ट में जाओ ना। नहीं दीदी। 11 फ्लोर नीचे है जमीन, हर दिन ऐसे करोगे तो फिर। घुस अंदर। जीरो दबा। हार्ट पेशेंट है क्या? हाँ, आपको कैसे मालूम है? तुम्हारे पिताजी ने फोन किया। ओ भगवान, वो तो डर गए होंगे। अरे नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। माँ को एंजियोग्राम कराना है, कुछ पैसों का दिक्कत है। हाँ दीदी, एडवांस सैलरी देते हैं क्या? तुम डरो मत, पिताजी को आने बोला मैंने। फिलहाल के लिए कुछ पैसे मैं दे दूंगी। नहीं दीदी, नहीं चाहिए। मेरे लिए तो काफी मदद किए हैं आप, मालूम नहीं कैसे चुका पाऊंगी। बहुत आत्माभिमान है, लोन में दे रही हूँ, तनख्वाह मिले तो दे देना वापस। माँ देखो, दीदी आ गई।
दीदी यही वो प्रिया है क्या? क्या हुआ, क्यों बुलवाया, माँ कहाँ पे? ओ सब बात में बता दी हूँ, आओ अंदर आओ। मामा जी आप कब आए? ज्यादा समय हो गया, अगर हम ना आए तो कोई आ जाएंगे, इधर रिश्तेदारी तो है ना। तू चल। क्या हुआ माँ, क्यों जल्दी आने बोला मुझे, अभी यहाँ क्या मुसीबत हो गई? वो तो मैं बाद में बताऊंगी, तुम जाकर नहा कर फ्रेश होकर आ जाओ। माँ टेंशन मत दिलाओ, बात तो बोलो आप। आपके लिए एक सरप्राइज है दीदी। मुझे? हाँ तू ही ने तो हम सबको अच्छा जीवन दिया है, अब तो तेरे लिए भी एक जीवन साथी चाहिए। कितने दिन ऐसे अकेले रहोगी तू? तुमको काम भी छोड़ना ही पड़ेगा। किसके लिए तुम काम करती हो? तुम शादी करो, वो ही हमारे लिए अच्छा है बेटी। आज लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहा है। वो बैंक में काम करता है, देखने के लिए बहुत सुंदर है, मैंने देख लिया दीदी। ओ तो सब मिलके मेरी शादी कराने का प्लान कर रहे हैं। जब मुझे मन करेगा ना तो मैं बता दूंगी, अभी तो नहीं चाहिए। अब नहीं तो कब, बूढ़े होने के बाद क्या? अभी कितने दिन तक शादी मना करके ऐसा घर में बैठेंगे? तुम्हारे वजह से ये घर यहाँ तक आया वो तो हम समझेंगे, लेकिन अब तो बहुत तो वही नहीं ना। सिटी में तुम क्या काम कर रहे का तो सभी लोग पूछ रहे, समाधान देने के लिए शर्मा रहे। अगर कोई पूछा तो समाधान देने के लिए बहुत शर्मिंदा हो रहे। मैं कौन हो, मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार है ना भाई, प्लीज आप चुप रहिए। सच्चाई तो किसी को भी पसंद नहीं आता। मेरा बेटा दास पे क्या काम है का तो बोलो, शादी करने के लिए तुम मना किया था ना, ये सही है क्या? अभी भी तुम्हारा गांव क्यों आया का तो तुम्हारा बाप का मुंह देख के। कम से कम पिताजी को सोचते हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। मैं ज्यादा कुछ बोल दूंगी यहाँ? क्या बात करती है, आप जाकर उधर बैठो जरा। किसने बोला इनको यहाँ आने के लिए, पुरानी बातें याद दिलाने, कुछ भूली नहीं हूँ मैं। देखो वो लोग इधर आएगा तो इधर मर्द लोग होना ही चाहिए ना। जो आ रहे हैं उन्हें अभी फोन करके बोल दो वो ना आए। भगवान क्या है दीदी, आप रो रहे हैं? लड़की को ही देखने आ रहे हैं ना, आने के बाद आपको देखकर जाते हैं, चलो ना। आ जाऊंगी, बस थोड़ी देर और मैं यहाँ जरा बैठ जाऊँ। बहुत देर तक यहाँ रहेंगे तो गर्मी हो जाएंगे। मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली पहुँचती है जब मैं आके यहाँ पे बैठती हूँ। ये हमारा पुराना घर है, मेरे पिताजी ने मेहनत से बनाया ये घर। छोटा था लेकिन बहुत खुशियां थी इसमें। यहां बैठती हूं तो मुझे मेरे पिताजी दिखते हैं, पिताजी का प्यार महसूस होता है। देखो डाली दिख रही है ना, वहां पे मेरे पिताजी ने आत्महत्या की, मेरी डिग्री एग्जाम के एक दिन पहले। रस्सी काट के उन्हें नीचे उतारा तो वो सुन्न हो चुके थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये कोई नहीं जानता। फिर जाके पता चला पैसे उन्होंने बहुत सारे लोगों से लिए थे, बैंक वालों की आखिरी चेतावनी, अगर वो मर जाएंगे तो उनका लोन हटा देंगे। पिताजी को किसी ने बहकाया, उसके बाद माँ दीदी और अनु पढ़ाई रोककर अगर काम पे निकल जाए तो भूख के मारे मरेंगे नहीं सोचा, लेकिन आज यहां तक पहुंच गए। बहुतों ने बोला कि ये पेड़ काट दे, लेकिन मेरे लिए मेरे पिताजी इसमें हैं। मेरे दिल का भार उतारने के लिए मैं जरा दिल खोल के रो लूं, बस कुछ देर में यहां पे बैठ जाऊं। कोई बात नहीं, आप लोग यहां बात कर रहे हैं ना, वो लोग आ गया है। क्यों दीदी मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहे? देखो अब ये सब तुम समझोगे नहीं, एक कुटुंब होने के बाद ही तुम सब समझोगे। जब भी लड़के वाले आते हैं तू तो ना कह रही है, तब हम ही नहीं पापा की आत्मा भी नहीं शांति हो सकती है। आप एक बार देखे तो सही, पसंद आए तो शादी कर लेना। देखो बेटा लड़की होकर अकेले रहना बहुत मुश्किल है।
एक औरत को एक मर्द की जरूरत है, किसने बोला आपसे? तुझे मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ, पहले आओ ना। तुम आओ। जाओ दे दो। ये सिटी बैंक में काम करता है। घर पे ये और उसका माँ रहती है, लक्ष्मी बाजू में रहती है। अभी कुंडली सब जुड़ गया तो जल्दी कर देंगे शादी। आपको पसंद है तो शादी जल्दी कर लेते हैं। मुझे तो बेटी पसंद आई। मेरी बेटी को मैं ले जाऊंगी। अभी इन लोगों को बात करने के लिए हम छोड़ देंगे, पुराना जमाना नहीं है। तुम आकर बात करो बेटा। तो शादी हम 6 महीने के बाद, उतना लंबा नहीं चाहिए हमको। लड़का का बारे में हम थोड़ा सोचना है। इसमें सोचने के लिए कुछ नहीं है। मैं सोचना है ना। जल्दी करेगा तो अच्छा रहेगा। बहुत शर्मा रहा है लगता है। हम सोचा तुम बोल लड़के है करके। जिंदगी में शादी नहीं करना कहते मैं फैसला किया था। एक अच्छा एक्टर एक अच्छा पति भी बन सकता है करके मैं सुना था। मेरा माँ जबरदस्ती करने से वजह मैं लड़की को देखने आया था अभी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मैं शादी करने के लिए फैसला कर दिया है। तुम मुझे बहुत पसंद आ गया। हाँ ठीक ही तो है। कितने अच्छे जोड़ी है ना, देखो। क्या हम वापस चलेंगे? हेलो मनु, तो हम चलते हैं क्या? हाँ, आप लोग हमारा घर में आएगा तो शादी का दिन तय करेंगे, ठीक है? चारों तरफ से हम कोशिश कर दिया, लेकिन वो तो मना कर रहे। 45 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बस एक ही मिनट में हमारा हाथ से चले गया तो। मुझे सब कुछ पता है सर, लेकिन गए से साल तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने के बाद कंपनी तुमसे कुछ नहीं है। सभी तो समझ में नहीं आ रहे क्या? मैं मैक्सिमम ट्राई करता हूँ, फिर भी वो मेरा हाथ में नहीं है। मैं उनका पीए हूँ, उसका एक लिमिटेशन है। जरूर ये प्रोजेक्ट हमको मिलना चाहिए। पैसा कितना बोलो? चलो। यहाँ बैठ जा। हाय मनु। यही मेरा कॉलीग श्वेता। हाय। हेलो। हम जो बोला था ना वही है गुलाब। तुम वो शेखर सेट्टी को हटा सकते हो क्या हमारा तरफ से? देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो जाएगा तो। 10 लाख दे दूंगा को तो मनु को बोल दिया, वो प्रोजेक्ट हमको चाहिए। वो बस नहीं होगा। 25 लाख लिक्विड कैश एडवांस में चाहिए, फिर देखते। कोशिश करेंगे। ये मेरी दोस्त है प्रिया। नमस्ते। नमस्ते अमनु। बाय देन। बाय। चलते हैं। हेलो मनु,
उनसे बोल दो, वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या चाहिए? चाहिए। आ जाइए, आइए आइए। वो तो श्वेता की फ्रेंड है ना, याद है क्या? ट्राई करें। अरे ट्राई करेगा तो? हाँ सर, हम उधर जाएंगे। ओ, तो क्या है? वो नेकलेस है सर। ओ, नेकलेस है क्या? तो फिर वो ही चाहिए। आओ। ओ, चलो। ओ, कम ऑन सर। प्रिया तुम सब दिखाओ। ओए तुम भी आ जाओ इधर। बैठी ना सर। कितने रेट में चाहिए सर? कितना तक होगा? हम याद है क्या? सॉरी। अरे ये कहाँ भूल जाएगी? ये देखिए ना सर। ए मिस्टर, क्या करता है तुम? ए तू अपना काम कर। क्यों रे, तुम उसका ही फ्रेंड है ना? क्या? अरे चल रे, क्या हुआ सर? सेलेक्ट नहीं किया क्या? सेलेक्शन हो गया लेकिन रेट ज्यादा है। अरे क्या क्या हो गया इधर? बुड्ढे तो चालक ही दिख रहे। चलो। बुड्ढा मैं? देखो कोई बात नहीं है, हम लोगों को इस तरह झंझट आता ही रहेगा। सुनो, मैं क्या क्या मुसीबत देखी रहती मालूम है? देखने के लिए लड़के लोग सुंदर ज्यादा होएगा तो हमारा जीने इस तरह मुश्किल से गुजरना ही पड़ेगा। ये क्या हुआ अंधेरे में? क्या हुआ बहन? बुखार है क्या? देखूं तो? श्वेता। क्या बोला तुमने? श्वेता, मैं तुझसे बात करनी है। क्या हुआ तुम्हें? कौन है तू? तू क्या काम कर रही हो? इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? ओ वैसे आज ज्वेलरी में दो आदमी आए हैं, मेरे हाथ पकड़ा है। मालूम है वो क्या बताया है? मैं समझ सकती हूँ उनके बात की मतलब। कौन है तू बताओ? तू तो क्या काम कर रही हो? रोज रात में कहाँ जा रही हो? इतने पैसे तुझे कहाँ से मिल रहे हैं? अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने घर वालों की आंसुओं की कीमत जानेगी उसी दिन तुम मुझे समझ पाओगी। देख बहन, ये जो भी दिख रहा है ये शरीर से कमाया है। मेरे घर वालों की रक्षा करने के लिए मेरे पास सिर्फ यही था, इसलिए आज वो लोग सब खुशी से जी रहे हैं। इसलिए तुम्हारी भाषा में अगर मुझे कोई वेश्या भी बुलाए तो कम नहीं है। शायद तुम्हें लगेगा ये एक 5-स्टार वेश्या के चरित्र का भाषण है। तुम्हारी परेशानियां मैं जानती हूं। तुम चाहती हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है। वो डॉक्टर, उन्हें सिर्फ छूना ही है तुम्हारा काम, ज्यादा से ज्यादा 1 साल, उतने में काम हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है तुम जान जाओगी। आ, 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 मेरे बारे में तो क्या समझ रखे हो? एक लड़के के लिए बहुत बड़ा है इनका शील। वो समझने के लिए संस्कार कुटुंब में पैदा होनी चाहिए। संस्कार? हाँ, इसी संस्कार की वजह से इस शहर में आज तक तुम पे किसी ने बुरी नजर नहीं डाली। बड़ा आया संस्कार। छह
आगे यहाँ रहने वाली नहीं हूँ। मेरे लिए तो कर्जा है, मैं उसे चुका लूंगी, वो भी मेहनत से। वो शेल्फ पे कुछ पैसे रखे हैं माँ के बाईपास के लिए, अगर तुम भूल गई हो तो वो भी जरा ले लो। अब उसके लिए किसी के आगे भीख मत मांगना। तेरी शरीर को बेचकर मेरी मैं माँ की जान नहीं बचाना चाहती, उसके बदले में वो मर जाती तो बेहतर है। मैंने तो तुझे सही बहन समझा था। मैंने ये रात को मत निकलना। तुम जो चरित्र अपना बचा के रखी हो ना, वो नहीं नाखून भी नहीं बचेगा यहाँ। बाहर सदाचार पुलिस भी खड़े होंगे। पापा। क्या बेटी, तू सो रही थी क्या? अरे घर पे तो तुम एकदम सुबह उठती थी। हाँ यहाँ आए तो सब नया नया सीखा। तू क्या हो गया, तू ठीक तो है ना पिताजी? हाँ तू ठीक है ना? प्रिया ये लो। उसको लेने को उसको शर्म लगता होगा, इसको आदत नहीं ना। आप बैठ के बात करिए। अरे ऐसा एक दोस्त मिलने के लिए तेरा सौभाग्य है, ये तुम्हारा माँ का जीवन है। आज नहीं तो कल ये अपन वापस देगा, लेकिन उस देने का दिल देखो उसका। जॉनसन बोलता है यहाँ अगर अच्छी तरह काम करेगा तो प्रमोशन का बहुत चांस है करके। चेदा भी ऐसा ही रहेगा ना। अरे मुझे तो पैसा का कोई लालच नहीं, लेकिन आजकल मैंने तो बहुत सारा कुछ सपने देखने लगा बेटी। घर वापस लेना है, माया को अच्छी तरह सिखाना है। तू भी श्वेता जैसा काम करेगा तो तुम भी ज्यादा कमा सकेगा ना बेटी। सब कुछ आस्ता आस्ता अपने पास वापस आता है तो मुझे एकदम अच्छा लगता है बेटी, इसलिए बोलता हूँ बेटी। तो मैं निकलूं क्या श्वेता? हाँ मैं निकलता हूँ। लंच के बाद जाइए ना। नहीं नहीं मुझे बहुत सारा काम है, निकलता हूँ। पिताजी ने बोला सुना ना, पैसा कितना है यही सब पूछेंगे, कहां से आया ये किसी को पता नहीं करना। प्रिया
एक औरत के हाथ में पैसा कहाँ से आया ये सिर्फ एक पति पता करता है, वो भी सिर्फ एक सदाचार बकवास करने वाले। डॉक्टर को मिलने के लिए मैं तैयार हूँ। जिंदगी कभी ऐसी भी होती है, कल तक जो हमारे नियम और विश्वास थे वो एक मिनट में खत्म हो जाएंगे। सच्चाई बदलेगी, उसकी रीति भी। शाम को डॉक्टर का गाड़ी आएगा फ्लैट पे। मुझे जूते खरीदना है। अंदर चल। हे क्या देख रहे रे? चढ़ो चल चल चढ़ो गाड़ी के अंदर चढ़ो चढ़ो चढ़ो। बोल रहा हूँ नाम ही नहीं। आजा आजा कुछ नहीं की मुझे छोड़ो। चल 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 छोड़ दो मुझे छोड़ो। अंदर जाके बैठो ना। क्या देख रहे तुम? जाओ चले। श्वेता मुझे मालूम है वो लड़की कौन है। हम जाकर बचा लेंगे। हमें चलना चाहिए। श्वेता अगर मुझे भी ऐसी हालत आ गया तो चलो। अबे जा बे जा ना। डाल इसको अंदर। डालो चढ़ो गाड़ी के अंदर चढ़ो। अंदर जा बे। क्या है बोला? वो लड़की को किसी ने धोखा दिया है, उन्हें जरा छोड़ दीजिए। तो तुम संघ सेवक है क्या? चुपचाप यहाँ से निकलो नहीं तो तू भी अंदर आना पड़ेंगे। समझ गए क्या? अरे साहब ऐसा किसी ने धोखा देकर या फिर एक वक्त के खाने के लिए अपने कपड़े उतारे उनके पास ही आपका नियम चलता है? यहाँ पे कॉर्पोरेट या नेता या बिजनेस वालों के आगे नोट के बदले में साथ में सोने वाले किसी भी मैडम को आप तो कुछ नहीं करेंगे। कुछ करेंगे तो पता चलेगा। अरे वते, पुलिस को हाथ दिखा रहे क्या? ये वर्गीस को कानून के बारे में बोलेंगे? साहब फेमिनिस्ट है, संभाल के बात कर लेना। मैडम साहब तो नया आदमी है। मैडम तो फेमिनिस्ट है ना, हमें तो एक शिकायत मिल गया है। ये सब चलता ही रहता है ना मैडम। और मैडम वो लड़की को पहचानता है तो आप स्टेशन में आके चले जाना। ओबे गाड़ी निकाल। देख रहे अंदर डालो। मैडम आप तो स्टेशन में आइए। साहब ये फेमिनिस्ट है क्या? हाँ दूसरा एक्टिविस्ट है क्या? हाँ हाँ सर। ये एक्टिविस्ट कौन है सर? एक्टिव बोले तो काम करने वाला। तब वो फेमिनिस्ट काम देने वाला। वो भी काम नहीं पूरा हुआ। सर उसे छोड़ दो सर। ओ अभी तक तुम मैटर नहीं समझ रहे क्या? सर मुझे सहा नहीं जाता है। सुनिए के कुत्ते। अरे समीर क्या करता है तुम? इसको मैं नहीं छोड़ूंगा सर।
अरे उसको जामिन में लेने के लिए कोई तो आएगा इधर। सर ये तो बहुत सीरियस मैटर है, मोहब्बत से नाम पे ये लड़की को बेच रहे सर। हाँ। 10 आदमी मिलकर ये लड़की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, इसमें बड़े आदमी भी है, अगर मीडिया बीच में आया तो। अरे छोड़ दो, थोड़ा दिन के लिए ये सबको खेलने के खिलौना। अरे उसके बाद में का सब लफड़ा, आखिर में सब लोग हाथ छोड़ेगा। अरे अपन आंख बंद करके इसको एक पेटी केस बना के छोड़ देगा यार। सर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है सर, आपके मुंह देख के तो पैसे दिख रहे सर। अरे आपका मतलब पैसा है तो ये केस चार्ज करो या ना करो, अपना पैसा अपने को मिल जाएगा। अरे ये केस कैसा भी रहने दो, अपने को अपना पैसा मिल जाएगा, अपने को उससे मतलब है। अरे इसके पीछे तो बड़े बड़े लोगों का भी फोन आने वाला है अभी। अरे कुछ भी रहने दो, अपने को अपना माल मिल जाएगा। हाँ देखो ये आ गया। हाँ ये लड़की को छोड़ दो। जामिन के नाम पे मुजरिम को हटाना का तो देखे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको समझ में आया क्या? अरे बोलता हूँ छोड़ दो ना उसको। चलिए जोसेफ, एक रेप केस है, फ्रंट पेज बदल के रखना, ये केस धूम बचाने वाला है लगता है, मुझे सेकंड एडिशन भी आने वाला है लगता है। शाम तक न्यूज में मिल गया। देखो हम लोग लेट हो गया, सब लोग आगे आ गए इधर। क्या प्रॉब्लम, हमारा सब कुछ नहीं है ना, क्या लाइव शूट नहीं है क्या? हमको तो मीटिंग में जाना है ना, 2 दिन से छुट्टी ले लेगा तो अच्छा होगा। ठीक ही कह रही है। देखो ना, देखो ना आ गया। अरे इन लोगों से पूछेगा क्या? अंदर चलो पहले, आ जा। हमको लगता है ये भगवान, क्या हुआ? चलो सुनो, सच बोलो, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? आप लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज। मैडम ये लड़की को किधर अरेस्ट किया? लड़की को उम्र तो 15 साल है, अगला समाचार मैं जरूर भेजूंगा, एक्टिविस्ट टाइप कर लो ना, ये केस ने CID को बदल जाएंगे। सब लोग आ रहे हैं, हुशार हुशार। छोड़ो मुझे, छोड़ो यहाँ से, छोड़ दो, बोलो तुम्हारा नाम क्या है, मुझे छोड़ दो। मैडम उसका मुंह छोड़ दो प्लीज। अरे प्लीज नहीं, मुझे जाना है। इसमें कौन कौन भी इन्वॉल्व्ड है? अभी मुझे चैनल में इंटरव्यू देना है, एक मिनट। ये लड़की पेट में है, इसका वजह सब बड़े बड़े लोग हैं, हमको मालूम है। ये केस खत्म करने के लिए इधर का पुलिस लोगों का हाथ है, उन लोगों को इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए। प्रिया चलो चलते, पहले इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना है। मुझे भी कुछ बोलना है। ये लड़की की उम्र 18 बरस है, इस लड़की को किडनैप करके ले जाकर बड़े बड़े लोग इसे बलात्कार किया, ये अच्छा नहीं है। चलो चलो, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग को न्याय चाहिए, बोलो हम लोग को न्याय चाहिए। हम उसे बचा नहीं सके, उतर जा। ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आपको क्या चाहिए? मुझे वो श्वेता से मिलना है। आप कौन है? मैं उनका दोस्त हूँ। आज आपका फ्रेंड लीव है सर। उनका घर का एड्रेस दिया तो मैं जाके मिलता हूँ उनसे। जाकर उस लड़की को पूछे, वो रूममेट है। थैंक यू। हालो हालो, किधर जा रहे? उधर जाकर बैठो, वो लड़की उधर आएगी। बेड़ा आया है फ्रेंड है। सुनो तुम्हारा फ्रेंड का एक गेस्ट आया है। गेस्ट? कौन है? मुझे क्या पता। आइए आइए आइए। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? रेडी है क्या? हाँ हम ही, वो श्वेता को देखने के लिए आया है, लीव करके बोल रहे थे, वो उनका फ्लैट का एड्रेस दिया तो। ओ, ओ, ओ क्या है कि
श्वेता हॉस्पिटल गई है, उसका सर बहुत दर्द हो रहा था, शाम तक आ जाएगी। ओ ठीक है, हम वेट करता हूँ। नहीं तो उनका फोन नंबर मिलेगा क्या? एक मिनट। हेलो। हेलो, तुम कहाँ हो? यहाँ जैन आया है। कौन सा जैन? उस दिन लड़की देखने आया है ना। एक सेकेंड। श्वेता, श्वेता, वो अभी वहां क्यों आया? मैं थोड़ा बिजी हूँ, किसी भी हालत में भिजा दे वापस। कह रहे थे कि वो आने के लिए देर होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेंगे, उनसे मिलने के बाद ही जाऊंगा। हेलो, क्या करना है? तुझे मिलकर ही जाना है। मैं आ जाती हूँ। सॉरी यार, एक जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। क्या हुआ? फोन अभी आया ना, उतना जल्दी जाना है क्या? थोड़ा बहुत बैठो ना। प्लीज, हम फिर कभी मिलते हैं। प्लीज वेट करने के लिए कह रही है। हाँ, ओके। जैन को दो ना। वन सेकेंड। श्वेता है। हाँ, श्वेता, क्या हुआ? तबीयत बराबर नहीं है क्या? सर में जरा दर्द है, आने में थोड़ा देरी हो जाएगी। तुम टेंशन मत लेना, मैं इधर ही वेट करता हूँ। अरे वहाँ पे बात नहीं कर सकते, मैं शाम को कॉफी बार में मिलूंगी। ओके ओके श्वेता, थैंक यू। थैंक्स। पसीना छूट रहा है, पहुंच लो। आपको जिंदगी में एक अच्छी लड़की मिलेगी। प्लीज ऐसा मत बोलना, हम एक बार ही मिले थे, उस दिन से हम दोनों का जन्म जन्म के संबंध है करके मुझे लग रहा था। जिंदगी एक सीरियल का डायलॉग नहीं है जय, वो एक कांच की डाली है और हम सब उस पे सूखने वाले पत्ते की तरह है। आप लिटरेचर किया क्या? कैसे पता चला? हो नहीं है, आप बात करने समय वो महसूस हो रहे हैं, पढ़ाई का बोझ आके लगता है। किताबें और मैं, अगर ऐसा है तो किताबों से नहीं है, जिंदगी वही सबसे बड़ी किताब है। श्वेता, एक इंसान का असली खूबसूरत किधर होगा मालूम है क्या? मुंह पे है क्या? एक इंसान का खूबसूरती उनका रोनापन में दिखता है, दुखी में, देखो इस तरह। हाँ माँ जी, एक मिनट, मैं श्वेता का पास देता हूँ। माँ जी, हमार माँ जी बात करो ना। सुनो बेटी, आप कैसी हो? सुनो बेटी, उस दिन तुम्हें देखने के बाद मेरे मन में तुम ही मेरी बहू, उस जगह में और कोई नहीं आएगा बेटी। तुम्हें देखने के लिए मन कर रहा था, इसलिए मैंने उसे उधर भेजा। मैं तुम्हारी माँ से बात की, वो लोग बहुत खुशी में है, तुमको कोई एतराज नहीं है ना? हेलो बेटी। वो मैं कह रही थी, मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगी, तुमको कोई एतराज नहीं है ना? बोलूँ क्या? वो माँ जी, आह
सर बिल श्वेता प्लीज कोई बात नहीं श्वेता प्लीज मैं ही देता हूँ थैंक यू सर तो फिर जय चले जाओ आपको बहुत दूर जाना है ना क्यों ऐसे बीक कर आए हो क्या हुआ जय को मिला है क्या मुझ जैसी लड़की को ऐसी बारिश में भीगना ही विधि है तो नहीं चाहती है ना तू ऐसे नहीं करनी चाहिए वो अच्छा आदमी है वही तो प्रिया दिक्कत है अच्छा आदमी था मर्द सिर्फ दो तरह के होते हैं सोचा था मैंने एक भूखे लोग और एक बेचने वाले लेकिन वो आदमी ऐसे एक आदमी के साथ जिंदगी चाहना ही गलत है कुछ समय के लिए मेरे मन में भी ये बात आया एक जिंदगी जीने का मन किया हम लोग तो सिर्फ साधारण से एक औरत है पुरानी बातें ना भूलकर और जो चाहा था वो भी नहीं है मैं भी एक औरत हूं यार सपना देख लिया तू ही तो बताया है ना श्वेता विवाह होने के बाद एक पत्नी पति के साथ ही न्याय होनी चाहिए क्यों ऐसे स्त्री ही शीलवती होने की सोच रहे हैं क्यों पुरुष नहीं स्त्री और पुरुष दोनों एक ही है ना अगर जो भी गलत करें वो तो गलत ही है ना जैसे रेत के घर समुद्र के पानी में डूब जाता है जैसे ही हमारा जीवन भी आधारित है बोल सकते हैं लेकिन जब काम की बात आती है ना उसका दर्द पहचान सकते हैं। प्रिया सब कुछ झटके में खोना आसान है पर वो सब वापस पाना तुझे नहीं जाना है क्या डॉक्टर से मैं बात करूंगी मैं जा रही हूँ मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ कि मुझ पर आधारित कई लोग हैं उन लोगों के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा औरत एक कांच की तरह होती है दिखने में बहुत सुंदर पर अगर टूट जाए ये सूरत वाली शीशे नहीं लोहे है
मनो, ये रात के अंदर सवाल नहीं पूछते, जवाब भी नहीं मिलेगा। डॉक्टर, वेलकम यंग मैन। ओ, आ गया। यस यस, मैं इंतजार कर रहा था। ओ, पहली बार आ रहे हैं। आप सोचे जैसा कोऑपरेट करता है करके मालूम नहीं। ए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। जैसे मनु सोचते जैसे मैं एक सेक्सुअल सैडिस्ट नहीं, बस एक अफेक्शन। थोड़ी दिन के लिए मुझे एक कंपेनियन चाहिए, बिना कुछ तकलीफ का, बिना कुछ हलचल का। मुझे एक छोटा सा घर चाहिए, जब चाहे हमें उड़ जा सकता है। हाउ अबाउट ए ड्रिंक फॉर यू मैन? नो थैंक्स, योर विश। हाँ मनु, पैसा। मेरा नया जिंदगी शुरू करने के लिए मेरे पास बस इतना ही पैसा है। जब माँ जी का देहांत हुआ है, पिताजी से मारपीट लगा हुआ जिंदगी, मुझे अकेला छोड़कर स्टेट्स में चला गया मेरा बीवी और मेरी बेटी। देखा देखा, मेरा बाप फादर, देख मेरा सब चीन के हंसता। देख मरने के बाद भी मैं इसको इधर लटकाया क्यों मालूम है? मेरा ये जिंदगी उसको दिखाने के लिए। यू नो व्हाई आई हैव हंग यू ओल्ड स्टूपिड बास्टर्ड? To see me grow, to see me happy, to see me flourish. देखा देखा कैसे आता है, जो तुम मुझसे छीन लिया, देख क्या क्या आता है मेरे देखे। Stupid bastard. अरे मनु, तुम जानते हो क्या, बस ये अकेलापन और बिना नींद का रहते हैं, बस अभी ये रह गया मेरे साथ। आई एम ए साइकेट्रिस्ट, बट आई डोंट नो, आई एम बिहेविंग लाइक ए साइको। मुझे वो सब वापस लेना है। आई वांट इट बैक, या एवरीथिंग फॉर ए फ्यू डेज। ओके, भेज दो उसे, आने को बोलो उसे, जल्दी अभी इसी बात। प्रिया, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था तू आने वाली करके। ये जिंदगी एक बिना रुकावट की सफर है। जिंदगी में कुछ इंसिडेंट्स प्यार में बदलने का संभावना है, वो छोड़ दो। तुम्हें ये गलत करके सोचा तो अपने घर के बारे में, अपना परिवार के बारे में सोचो, तब हम करने वाला काम अच्छा लगेगा। तुम मुझे धोखी बंद करके समझेगा, सही है ना? हम कमजोरी होने के नातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ये गलत काम ही करके मैं बहुत बार सोचा हूँ। जब वो उस टाइम पे मेरा अंदर जो है ना, मैं उसे देखता हूँ। अच्छा तुम चलो। Oh,
कितने सुंदर हो तुम। ये मैं क्या देख रहा हूं? आओ आओ स्वीटी, मेरे पास चले आओ। यू आर लाइक एन एंजल माय डियर। वेलकम टू द एंजल्स पैराडाइज। वेलकम। तुम मेरा माजी हो, माजी हो। यू आर माय मदर। मम्मी मम्मी माजी एक देवता थी, मुझे गोद में बिठा के हमेशा गाना सुनाता था। वो मुझे बहुत चाहती थी। मम्मी 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 माजी, मेरी मम्मी, आइए आइए माजी, मेरे साथ आइए। कितने दिन हो गए हम मेरी मम्मी को देखे। आ जाइए मम्मी, आइए। आई लव यू मॉम। माँ जी आओ, माँ आओ, माँ यहां बैठो बैठो बैठो। मम्मी मुझे एक पपी दो मम्मी। माँ जी, माँ जी, मैं आपका आपका गोद में लेट रहा हूं। हाँ जी, अंदर का कबूड़ में तुम्हारे लिए ग्राउंड में ले आया हूं, वो पहन के आ जाओ। My God, Veronica, Veronica, the beautiful dancer, Veronica, Veronica is my lover. You are my Veronica. I and Veronica were real lovers. We have been living a very, very, very happy life. And we made love everywhere. Do you know, my love? You were born in Switzerland, in a small village. Tum mar gayi. No, 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 no. Tumne khudkushi ki. Tumne kyun khudkushi ki? Tumne haath kaat kar. Kyun, Veronica? Kyun tum khudkushi ki? क्यों क्यों?
क्यों खुदकुशी की? क्यों तुम सुसाइड किया? बोलो बोलो मुझसे, क्या कारण से तुम सुसाइड किया? बोलो 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 वेरोनिका, मुझे बोलो इसका कारण। महिला हो, मैं जानना चाहता हूं। बोलो बोलो क्यों किया तुमने, मुझे बताओ। तुम्हारा ये तमाशा क्या है? आज मैं उनके लिए वेरोनिका हूँ। मैं स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ हूँ। बर्फ वर्ष में ये कुटीर में देहांत हो गया। नहीं, सुसाइड करने वाली थी, वो भी हाथ काट कर, खून बह बह कर, पूरा बह कर। वो डॉक्टर का पागलपन तुम्हें आ गया क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। अब मैं सिर्फ डॉक्टर के चित्रीकरण किए हुए कैरेक्टर हूँ ना। कभी कभी पत्नी जैसे, कभी माँ जैसे, कभी बहनों जैसे, ऐसे कुछ उसने कोए हुए कुछ रिश्तों जैसे एक एक बनकर। कभी 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 मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं मालूम हो रहा है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे ये वजह का मैं भी एक कारण हूं ना, बोला ना। प्रिया, मैं जानबूझकर ये सब नहीं किया हूं, मैं तुम्हें जिंदगी दिया। जीवित एक अनंत यात्रा है, रिश्ते कभी कभी प्रेम जैसे बदलती है, वो सब छोड़ दो। किस लिए तुम मुझे अवॉइड कर रहा है? तुम्हारे मन में कुछ है तो बोल सकते हैं ना। मनु, दो दिन के बाद मेरी शादी है। हाँ कर लो, तुम पे भरोसा करके मैं काम कर रहा है ना, जो उसका क्या होगा। कम से कम आज एक दिन तो आ जाओ, हमेशा तरह खूबसूरत से। प्लीज जिद मत करो तुम। इस शरीर से ही नहीं, अपने दिल से भी मैं बदलना चाहती हूँ। ऐसा बोलने से कैसा होगा, अचानक ऐसा नहीं कर सकती है ना। नहीं मनो, प्लीज उसको कंपल मत करना। तुम बहुत आसानी से बोल रहे, लेकिन ये मेरा जिंदगी का सवाल है। श्वेता, रात को आ जाओ, सिर्फ एक दिन के लिए आ जाओ। उसके बाद क्या तो होने दो, मैं किसी के तरह तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा। क्या क्या बोला तुमने? कल के बाद मैं किसी और की बीवी हूँ, उसे धोखा देकर। क्यों रुक गया? हाँ, चाहो कितना पाप भी करो, कितना तो पतिव्रता बन के रहो, वासवदत्ता एक गंदी लड़की है, इसके वजह से मैं कितना लाश होने वाला मालूम है क्या तुझे? मुझे अगर बेच दिया तो उससे ज्यादा पैसा मिलेगा तेरे को। गाड़ी निकालो।
जाए। आज तो जल्दी आ जाओ। बैंक में ऑडिटिंग हो रहा है, जल्दी आने के लिए कोशिश करता हूँ। मुझे बाहर ले जाने वाले थे, भूल गए क्या? मैं लेके जाता हूँ ना, मैं नहीं भूल गया उसे। दीदी। आपका ही बेटी ना? मास्टर जी, एक बात बोलूं क्या? वो अभी क्यों इधर आया, तुम पूछा नहीं क्या? एक हफ्ते के लिए वो आने के लिए जिद कर रही थी। अरे इधर रह के भी वो करेगी क्या? मास्टर जी आप गलत नहीं समझना, ये तो अच्छा सगा है। दीदी के बारे में समझा तो मैं कुछ नहीं बोलता है, दुनिया बोलता है इसके लिए। तू वहां जाके बैठो, मैं आता हूं। सत्यनाश उसका जिंदगी तो गया, अभी उसका बहन का जिंदगी भी। चिंता मत कीजिए पापा, मैं जाती हूँ। अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो आप वहां तक आने की जरूरत नहीं है, कहा है तो किसी से भेज दूंगी। बेटी सुनो, अरे वो रवि, वो भी नीचे डाल देना। अरे तुम तो मुझे डराए यार। ए रवि, ये मुझे इतना डरता है क्या? अभी तो आया ना, इतना जल्दी क्यों जा रहे? कैसे हो? मैं तो कोशिश कर रहा था, जवाब नहीं दे रहे। वहां बहुत काम था इसीलिए। मैं भी टाउन के आने के लिए सोच रहा हूँ, इधर काम तो कुछ नहीं ना, अगर उधर आए तो काम मिलेंगे ना? पढ़ाई नहीं करने वालों को भी काम मिलेंगे ना? रवि को कुछ पैसे की जरूरत है क्या? तुम्हारा नया नंबर दे दो ना, वहां के कॉल करूंगा। तुम डरो मत, वहां के कुछ भी नहीं बोलूंगा, घर में भी काम करूंगा। रवि प्लीज ऐसे मत कहो। हेलो लो। हाँ मैं बोलने भूल गया, इसका नाम प्रदीप है, हम दोनों मिलके एक ही ब्रांच में काम किया हूँ, ट्रांसफर में कलकत्ता गया है, तू तो जानता है ना, मेरा बीवी है। हेलो। और एक बात, आज ये इधर ही रुकने वाला है। हाँ चलो।
जब ये ब्रांच में काम कर रहा था ना, तीन टाइम इधर ही खा रहा था वो। माँ जी करने वाला रोटी इसे बहुत पसंद है, ठीक है ना? क्या बोलते हो? लाज में रूम लेने वाला था, हम ऐसा छोड़ेंगे क्या इसे? इसीलिए इधर लेके आया हूँ। तुम जैकेट चाय लेके आओ, आओ बैठो। क्या हुआ, अभी भी तुम्हारा वो काम चल रहे है क्या? वो तो चलेंगी ना, तभी मैं फ्रेश रहूंगा। तुम अभी भी बदला नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तुम क्या कर दिया श्वेता, क्या हुआ तुझे? अरे यार जाने दो। सॉरी। तुम अंदर जाके लुंगी लेके आओ, जाओ वो ग्लास इधर लाना, मेरे साथ आओ, चलो ड्रेस चेंज करेंगे। श्वेता बैठो भाई। जयन, समय मिला तो तुम्हारा पत्नी को लेकर घर को आना, गुरुवायूर को चलेंगे। हाँ बाद में देखेंगे, कृष्ण परमात्मा इसे बहुत पसंद है। ओ, वो तो सही है ना, आजकल लड़कियों ने कृष्ण भगवान को पसंद कर रही। तू भी बैठो, आजा सांबा डालो ना। किधर है? अरे क्या हुआ, इसे पीने के लिए पानी लेके आ जाओ, बैठो। तुम्हारा वो पुरानी आदत नहीं बदली ना, क्या बोलते हो? तुम अभी भी नहीं बदला है? जयंत क्या हो रहा है इतना सुबह सुबह? तू मेरा माजी से बिना मिलके नहीं जा सकता ऐसा। एक घंटा इधर रुको, मैं माजी को लेके आता हूँ। अभी मैं गुरुवायूर जा रहा हूँ, आने से टाइम पे जरूर इधर आऊंगा, माता भी तब पहुंचेंगी ना। तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं, 6 साल पहले ये ऐसा ही बोल के गया था, अभी तक नहीं लौटाया था, अब आया। देखो इसको थोड़ा देखो, नहीं तो भाग जाएगा। आता हूँ। ये तुम नहीं सोचा था ना, जयंत मुझे यहां तक लाने वाले का तो
नहीं सोचा था ना? समझी नहीं। हमारे बीच में क्या है तो उसके जरूर नहीं बोलूंगा। आप जाएंगे यहाँ से? इसमें टेंशन होने की क्या बात है? अब तक हमारे बीच में कुछ भी हुआ था ना, वो सब नहीं बोलूंगा, सब भूल जाऊंगा। लेकिन ये काम करना पड़ेंगे, ये जिंदगी तो एंजॉय करने के लिए है। तुम मुझको कभी नहीं भूलेंगे। हमारा दोनों के बीच में थोड़ा हिसाब है। क्या हिसाब? हिसाब बराबर करने के लिए एक मौका आ गया, वेस्ट मत कर लो ना। ये चांस मिस कर लिया तो जिंदगी में ऐसा मौका फिर नहीं आएंगे। जान देने के लिए ऐसे भी कोई तरीके होते हैं। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? तुमको जाने के लिए जल्दी है क्या? वो बात तो नहीं माजी, आ जाओ। सुनो बेटी, ये सब तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। इसका शादी पर क्यों नहीं आए हो? इधर तुम आने के समय तुम्हारा बीवी और बच्चे को लाना था ना। माजी तुम्हें पता नहीं क्या, इसका बीवी को दूसरा डिलीवरी भी हो गया, वो भी लड़की है। ये तो अच्छी बात है ना। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुआ बेटा, तुमको मालूम है? माजी मैं चलूंगा। इतना जल्दी क्या है, तुम खाना खाने के बाद जाना है या अच्छा है? माजी मैं बैंक नहीं गया तो बहुत परेशानी होंगे। क्या परेशानी, तुम जाकर फोन करो, हमों को लीव चाहिए इसलिए तुम नहीं जाओ। तुम लोग इधर बैठो। चलो यार। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? आजा। श्वेता, पुरानी कहानी सोच के नहीं रोना है। आने वाला जिंदगी में बहुत खुशियां मिलेंगी। तुम किस लिए? आने वाले दिनों में हम बहुत खुशी से रहने वाला है। उसे छोड़ दो, हमें कोई दुखी नहीं, संतुष्ट है। जय वो। तू कुछ मत बोलना। चलो चलो जाके सोएंगे। सुबह सुबह बबीता शादी में जाना है ना हमको, क्या बोलते हो? चलो। कौन है आप? तुम कौन है? मॉम, हू इज शी? मॉम, ए हू आर यू, व्हाट डू यू वांट? डॉक्टर,
ये कौन है जी? मेरा पेशेंट है डीसी। ये मेरी पेशेंट है। तुमसे कितने बार बोली हूं मैं पेशेंट्स को घर में मत बुलाना इडियट। यू हॉस्पिटल में चले जाना। कम टू माय हॉस्पिटल। What happened? Oh God!